अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लोबिया गोश्त बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलें मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने गोश्त ले लिया है, सही है, और ये जो है प्याज और वो है टमाटर, तो इन दोनों को हम कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा हर जगह से, शॉप से। ये चॉपर है, अच्छी तरह इसको ऐसे आप इसको दोनों को पकड़ के करें तो अपना आराम से ये चॉप हो जाता है। ये है धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, ये देख लीजिए, ये लाल मिर्चें हैं, सही। तो अब मैं, और ये जो है लोबिया है, और ये जो है ऑयल है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ सब करना, तो सही है, ओके। किसे दिखाऊं, किसे दिखाऊं, किसे दिखाऊं, बड़ी मुश्किल है। ये वॉश कर लिया अच्छी तरह, ओ कद्दूकस कर लिया है, इसके अंदर ये कटर होता है, अपना आराम से इसको कर सकते हैं आप लोग, सही है। अच्छा सही, मैंने डाल दिया इसके, अच्छा इसके अंदर। अच्छा जी, ये धनिया है, धनिया ले लीजिए एक, ये दो, ये हल्दी है, हल्दी हम कम डालेंगे, ये देखिए इतनी, वरना येलो हो जाता है सालन। अच्छा जी, ये जो है मेरे पास बिल्कुल कम थी, तो मैंने कहा एक स्पून ही है ये, सही है, स्पून डाल दिया। ये अदरक लहसुन है, ये ले लें एक स्पून, टू एंड थ्री। ये देखें, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ले लीजिएगा, सही है, एक चम्मच चाहिए पूरा, ये ले लें। इससे क्या होगा कि बहुत लाल सा, मतलब इस पे वो आता है टेक्सचर इसका, सही जी। अब मैं इसको बंद करके कुकर को फिर उसके बाद आती हूँ, ओके। अच्छा जी, मैंने ना इसमें लोबिया उबाल के डाल दिया है, अब मैं इसमें ऑयल डालनी हूँ, 2 चम्मच ऑयल है ये। अब इसको मैं अच्छी तरह भून के, और मैं अब इसमें डाल रही हूँ पानी, सही, 1.5 कप ये मैंने पानी डाला है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी पकाने के लिए, कि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा इसमें शोरवा सा, मतलब एक गीला गीला सा पन आ जाए, समझ रहे ना आप? तो ये देख लिए मैंने 1 कप और आधा कप पानी डाल के इसको मैं अब रख दूँगी। अब ये देखिए तैयार हो गया है ये मेरा गोभी गोश। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।